के दौरान हम लोगों ने काफी ज्यादा बातचीत की कि इसका शारीरिक असर क्या होता है। हमने काफी मौतें देखी, इस संक्रमण से का हम पर असर क्या हुआ वो सब हमने देखा। पर जो टॉपिक हमने नहीं छुआ वो था मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य आज भी भारत में एक टैबू की तरह है जिस पर ज्यादा बातचीत नहीं की जाती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान अगर ज्यादा जो मानसिक स्वास्थ्य पे ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर असर महिलाओं का हुआ है पुरुषों के मुकाबले। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर छवि आर्य वैद्य है जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, एनएच सिंगापुर एनएचएसए में डायरेक्टर है और रिलेशनशिप एंटीमेसी काउंसलर भी हैं। छवि जी आपका हम स्वागत करते हैं, नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और जो आपने बताया वो एकदम सच है और हम आज उपस्थित हैं सब जनों के सामने इस चीज के बारे में बात करने के लिए। जी, इसके साथ ही डॉक्टर श्वेता सिंह हैं। डॉक्टर श्वेता सिंह भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। नमस्ते जी, और ये ग्रेटर नोएडा में है और जुड़ी हुई है हॉस्पिटल के साथ और ऐसे काफी क्रॉमिक्स हॉस्पिटल के साथ और ऑनलाइन भी अपनी ऑनलाइन भी काम करती हैं सबके साथ, सबको इस वक्त ऑनलाइन भी काम कर रही हैं। तो श्वेता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। डॉक्टर मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आप रिलेशनशिप और इंटीमेसी काउंसलर हैं, इस तरह के पिछले 2 साल में क्या आपके पास इस तरह के कुछ आए हैं, कुछ केसेस आए हैं जो महिलाओं से रिलेटेड हैं? किस तरह के केसेस हैं, क्या आंकड़ों में बढ़ावा हुआ है? जी हमें बिल्कुल जी जी तो इस चीज की शुरुआत में आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि क्योंकि इतनी बड़ी महामारी से हम लोग बच गए, सबसे बड़ी बात ये, लेकिन ऐसा कोई घर भारत में या विश्व में नहीं है जो अछूता रहा हो। तो इसका एक मानसिक तौर पे हम लोगों पे असर, और ये चीज हम लोगों का जनरेशन ने कभी पहले नहीं देखा। 1918 में ये पहले हुआ था, तो ये जायज है कि हम लोगों को ये मालूम नहीं था कि इस लेवल पे इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोग फेस करेंगे। तो शुरुआत में ये पिछले 2 साल में जो कोरोना का संक्रमण बढ़ा, जिस तरीके से ये दुनिया में फैला और हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल या अस्पताल बंद नहीं किए, एज डॉक्टर्स हम लोग फिर भी पेशेंट पेशेंट को और महिलाओं को इवन बच्चों को टाइम टू टाइम उनको सेवा प्रदान करते गए। हमने ये देखा है कि शारीरिक रूप में तो बहुत प्रॉब्लम आई है जो देखी गई है, लेकिन मानसिक रूप में औरतों में इस चीज का डबल फोल्ड आदमियों से ज्यादा असर पड़ा है। देखा जाता है कि बड़ी सारी स्टडीज हुई गई ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसमें 62 मिलियन लोगों को जो है डिप्रेशन हुआ, और उसमें से देखा जा रहा है कि मोर देन हाफ, मतलब आधे से ज्यादा उसमें महिलाएं अफेक्टेड हैं, क्योंकि हम लोगों को एज अ महिला होने के नाते बच्चों का ध्यान रखना है, घर का ध्यान रखना है, और जो वर्किंग औरतें हैं जो बाहर जाके काम करती हैं वहां पे भी हम लोगों को एक कहते हिम्मत से काम लेना था। तो इसमें ये देखा गया कि दो तरीके के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे जब पेशेंट्स हम लोगों के पास आए हैं। एक तो डिप्रेशन बहुत ज्यादा देखा गया, जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा मानसिक तौर पे दुखी हो जाना, और दूसरा हमने देखा कि भय है लोगों में, अंदर तक भय है किसी तरीके की, कभी कभी इंफॉर्मेशन उनको अच्छी नहीं दी गई, या फिर एंग्जाइटी है कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या यही अंत है। तो इस चीज में आगे न देख पाने के चक्कर में लोग जो है एक जैसे कहते हैं शॉक की स्टेट में चली गई महिलाएं, स्पेशली क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाई, और जो टीवी दिखाता चला गया वही हम लोग मानते चले गए। तो उन लोगों को एक सही इंफॉर्मेशन देना, उनको मानसिक तौर पे थोड़ा सा नॉर्मल करना, तरीके से बात बताना, ये हमने देखा है कि बहुत ज्यादा काउंसलिंग की हमें इसमें जरूरत पड़ी है। जी जी श्वेता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कुछ लक्षण आप बताएं कि कुछ लक्षण इस तरह के जो महिलाओं ने आपसे शिकायतें की हों इस आने पर, इस तनाव से रिलेटेड जो महिलाएं आपके पास आती ही होंगी गायनेक प्रॉब्लम को लेते हुए और उन्हें पता भी नहीं चलता होगा कि उनके पास अलग तरह की दिक्कतें भी हैं। जी जी जी, एक्चुअली आमतौर पे भी महिलाओं को जनरली ज्यादा दिक्कतें होती हैं क्योंकि उनपे कई काम का बोझ होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें अक्सर उनकी मदद करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं, तो यू नो हर चीज का उन पे असर पड़ता है। कहीं भी वो निग्लेक्टफुल यानी कि कोई काम हल्के मन से नहीं कर सकते,
या यू नो इस तरह से हर चीज सीरियस है, चाहे वो फैमिली का हेल्थ हो, बच्चों का ध्यान रखना हो वगैरह, या अब इन सब चीजों में अपने आप को वो टाइम वैसे ही नहीं देते। अब ये जब कोरोना काल आया है और लॉकडाउन हुआ है, उसमें खास तौर से एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया है, दूसरों की फ्रस्ट्रेशन भी उन पे निकलती है, ठीक है। अगर जैसे हस्बैंड का जॉब चला गया, उसकी फ्रस्ट्रेशन इनकम एक तरह से इनकम कम हो गई, बच्चे नहीं सुन रहे। अब कहने में तो आसान लगता है कि चलो वर्क फ्रॉम होम हो गया, बट इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है ये, क्योंकि आप बीचों बीच बैठे हैं। घर से काम करने वालों को हमेशा ज्यादा सीरियसली भी नहीं लिया जाता, उसके बीच में कई इंटरप्शंस, फिर बच्चों का ऑनलाइन स्कूलिंग वगैरह, ये सब चीजें आसान नहीं है सब इकट्ठे। कई लेडीज के काम वाली भी नहीं थे हेल्प करने के लिए, जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं उनको भी हटाना पड़ा है काफी लोगों को, तो काम काज का लिटरली उन पे ज्यादा बोझ पड़ जाता है। सो एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, स्पेशली जो लॉकडाउन में हुआ है खासतौर से, जो कि काफी डिस्टर्बिंग है, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी रेज करता है ये चीज और फिजिकल भी। सो बिकॉज क्योंकि लॉकडाउन था और जॉब लॉसेस थे जेंट्स में या लेडीज में भी, बेरोजगारी थोड़ा बढ़ गया, राइट, तो उसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया, उसकी वजह से मैरिटल रेप भी बढ़ गया, राइट, ठीक, उसकी वजह से अनचाहे प्रेगनेंसीज बढ़ गए, उसकी वजह से हर एक जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि बच्चा गिराने को जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। और हर एक दफा ये किया जाता है तो उस औरत की जान रिस्क पे होती है, इस चीज की उतनी अवेयरनेस नहीं है बट होती है। प्लस वो जो मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है वो अलग बात है। लेडीज आके कहते थे हमसे कि हस्बैंड नहीं मानते, हम क्या करें, राइट। अब मेंटल इलनेस के कुछ लक्षण इस तरह से भी आ सकते हैं कि जी घबराना बहुत ज्यादा, या दो दो हफ्ते से ऊपर लगातार रोना आना, दुखी होना, ऐसा लगना कि मेरे जीवन में रहने का कोई, इस धरती पर रहने का कोई फायदा नहीं है, एकदम हेल्पलेस लगना कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमारा कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, खुद ही नहीं है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस जिसे कहते हैं। प्लस जो सुइसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, अपने आप को हानि पहुंचाने के थॉट्स आ सकते हैं, तो इन सब चीजों का अगर आपको लक्षण दिखता है अपने में, किसी में, फैमिली में, यू हैव टू, आप फर्ज बनता है कि उनको थोड़ा जागरूक करें और कोशिश करें, क्योंकि अक्सर पेशेंट को खुद को नहीं मालूम चलता, डॉक्टर के पास जाना मुश्किल है। जी, 2019 और 20 की तुलना में 200 से अधिक 200% अधिक महिलाओं ने डॉक्टरों का परामर्श ले रही हैं, तो ये बढ़ गया है काफी, तनाव, बेचैनी, नींद नहीं आना, एंग्जाइटी इश्यूज होना, इस तरह की चीजें बढ़ गई हैं। तो छवि जी, मैं आपके पास जानना चाहूंगी, इस तरह के केसेस आ रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जी, जनरली केसेस इस चीज में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और हम लोग उन लोगों को एक मिरर दिखा रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर श्वेता ने बोला और सही मायने में ये बोला गया कि अगर किसी को भी, जैसे मैं इस वक्त लक्षण को थोड़ा सा और डिटेलिंग में समझाना चाहती हूँ, जो काउंसलिंग में या जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उन लोगों को हम समझाते हैं। अगर किसी भी महिला को ये लगे कि वह काम करने में उसका मन नहीं लग रहा, या लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, या जरूरत से ज्यादा उसको लगता है कि वो काम बहुत धीरे कर रही है, या वो उसको एक नॉर्मल घर का काम करने में थकावट हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, जैसे नॉर्मल पहले कर लेती थी, 1 बजे तक फ्री हो जाती थी, अब उसको वही एक छोटा सा काम करने में बड़ा टाइम लग रहा है, और वो किसी सोच में ज्यादा गुमी हुई है, इस तरीके के जो सोच है उसके ऊपर ध्यान देना है, और उस चीज को कहते हैं नजरअंदाज नहीं करना। दूसरी बात, जैसे आपने अभी बोला, नींद या तो ज्यादा आना, ये दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट लक्षण होता है डिप्रेशन का, और ज्यादा मन में दुख, किसी भी चीज को लेकर बैठ जाना और ज्यादा दुखी होना, या इजी टियरफुलनेस जैसे हम कहते हैं, छोटी छोटी बात पे आंखें नमी आ जाना, छोटी बात पे ही उस चीज को बहुत बड़ा, या अपना मतलब कि मन, जिन्होंने कहा कि भाई हमारा जी घबराता है, या मन भारी हो जाना, ये एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज के हमें ध्यान देना है। और
मैंने ये देखा कि काफी लोगों को फार्माकोथेरेपी या दवाई से भी हम लोग हेल्प करते हैं, लेकिन काफी लोगों को एक नई चीज आई है जिसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, उससे भी बहुत ज्यादा आजकल लेडीज को हम लोग मदद देते हैं। लेकिन इससे पहले जब वो आती हैं तो या तो एपेटाइट बहुत कम हो जाती है, मतलब खाने का मन, कई या लोगों में बहुत तो ज्यादा कई लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, कई लोग बिल्कुल नहीं खाते, और सिग्निफिकेंट या तो वेट गेन हो जाता है, जो कि या बहुत तो लोग हम आते हैं कि मैडम जैसे गायनेकोलॉजिस्ट है तो इस तरीके की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, मैडम ब्लीडिंग प्रॉब्लम है या मासिक धर्म में प्रॉब्लम आ रहा है, या तो हो रहा है बहुत ज्यादा क्योंकि स्ट्रेस है, हर 15 दिन में 20 दिन में हो रहा है, या मैडम 3 महीने हो गए अभी मासिक धर्म ही नहीं आया। ये जी इसलिए क्योंकि वजन बहुत ज्यादा या तो बढ़ गया है और या फिर वजन बहुत ज्यादा घट गया है। गया तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोगों का जो दिमागी संतुलन होता है, दिमाग का सिग्नल जो हमारे अंडादानी में जाता है और अंडादानी का सिग्नल जो बच्चादानी में जाता है, जिसके नियंत्रण में मासिक धर्म रेगुलरली मंथली आना चाहिए, उस चीज में एक रोक लग जाती है। तो इस ओके तरीके के केसेस नेहा जी हम लोग आए दिन सुबह शाम डील कर रहे हैं। तो इनका डायरेक्टली रिलेशनशिप, एक जो इसका जो मतलब कि एसोसिएशन है वो वेट से है, और वेट का अनुसार जो एसोसिएशन है वो या तो डिप्रेशन से है या फिर एक न बोलने वाली चीज है, उसको मेनिया कहते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज पे हल्का सा हाईलाइट मैं करना चाहती हूँ आज के टॉक में कि हम डिप्रेशन हर जगह देख रहे हैं नाउ, मेंटल हेल्थ इश्यूज या जो हमारे मानसिक चीज को उजागर करना चाहते हैं लोग, वो डिप्रेशन को बहुत ज्यादा उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका एक अलग का पार्ट भी है जिसको मेनिया कहते हैं। लेडीज मेनिया में भी आ जाती है, उनको लगता है इस दौरान मैंने देखा कि जो हमारी महिलाएं हैं जो साथ की हैं वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, वो एक ही बार में बहुत कुछ करना चाहती थी, मैं बच्चों का भी कर दूंगी, मैं हस्बैंड का भी कर दूंगी, इन लॉज में भी कर दूंगी, इसको फोन भी कर दूंगी और अपना भी कर लूंगी, सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ वो नहीं कर सकते, उनके अंदर ऊर्जा बहुत टाइम तक नहीं रह पाती इस सब चीजों को करने पे, तो फिर वो एक मेनिया जो मेनिया का जो एपिसोड है वो डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक हाईलाइट करना चाहती हूँ दैट मेनिया शुड नॉट बी टेकन, द वर्ड मेनिया शुड नॉट बी टेकन, कि क्योंकि एक लेमैन जो एक नॉर्मल आदमी उसको गलत रूप से लेता है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल मेनिया का, हाँ जी, अगर मैं बोलूं जी मेनिया में तो लगा ये तो पागल हो गया, राइट, हाँ नॉर्मल आदमी इस चीज को पागलपंती में लेता है, जबकि ऐसा है नहीं। मेनिया का सिर्फ ये मतलब है कि आपकी जो गतिविधि है जो आप निर्धारित करना चाहते हो वो बहुत ज्यादा काम आप करना चाहते हो और कर नहीं पाते, राइट, राइट मैं ये भी कर दूं मैं वो भी कर दूं, और स्टार्टिंग में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मेरे में एनर्जी है और मैं इस चीज को शायद पूरा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, लेकिन बाद में आप नहीं कर पाते। जी तो ये चीज बिल्कुल जो है हमें इस चीज को नॉट ओनली डिप्रेशन जिसमें कहते हैं हम ज्यादा दुखी हो गए या एक जगह बैठ गए स्थित होकर, लेकिन इस तरीके की जो विस्फोटक एनर्जी या ऊर्जा का संचारण है जो कि लक्ष्यहीन है, मतलब कोई काम बेसिकली नहीं कर पा रहे लेकिन करना बहुत कुछ चाहते हैं, बिल्कुल इस चीज बिल्कुल को भी हमें, हाँ जी, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और जी ये जो लक्षण है इन चीजों को हम पकड़ते हैं, इस लेवल पे हम काउंसलिंग करते हैं और धीरे धीरे करके उनसे थोड़ा सा कहते हैं डिटेलिंग में जाके पूछते हैं ताकि वो आराम से खुलकर अपनी बात को बताएं। तो इससे क्योंकि हर आदमी हमने देखा है लेडीज भी वो छुपाना चाहते हैं, हाँ दे उनको लगता है कि घर वाले भी उस चीज को इतना तवज्जो नहीं देते, कोई मेंटल तो प्रॉब्लम है, हाँ मैसी जी, बोलते राइट हाँ हाँ जैसे नॉर्मली बोलते भी हैं कि अरे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं ऐसा होता है, अरे लेडीज तो हैं जो रोती ओवर भी बहुत थिंकिंग कर रही है, हूँ ये हम या इससे बाहर निकल क्यों लो, बाहर इससे बाहर बाहर निकल, एज इफ इतना आसान है हाँ किसी चीज से बाहर राइट निकलना, बाहर निकलना लेकिन राइट ऐसा नहीं, अगर जी। तो बाहर ये निकलना जो इतना दो आसान हो तो फिर इतना हवा होने के बावजूद अस्थमा क्यों हो बताओ? ये भी बीमारी है, किसी वजह से है शरीर में, राइट? तो इसको उस तरह से लेना चाहिए, ना कि इसको इस्तेमाल करके लोगों को नीचा दिखाया जाए या बोला जाए, बिल्कुल लड़े रहते हैं, परेशान हाँ रहते बिल्कुल हैं, सोते रहते हैं, सोते ही नहीं है, किसी से ज्यादा मिलते असर जुलते पड़ता है, नहीं उन्हें लगता है है, उनका किसी से मिलते आत्मविश्वास जुलते नहीं है, ये भी चीज है, लोगों से मिलो जुलो तो ठीक लगेगा,
राइट अरे भैया नहीं मन करता मिलने का ऐसे बीमारी में, क्या करें। सच्ची में, सच्ची में। अभी जी आप काउंसलिंग की बात कर रही थी, काउंसलिंग में आपने काफी बताया, सेल्फ काउंसलिंग भी एक आजकल आप कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए सेल्फ काउंसलिंग के बारे में। जी जरूर, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने एक इशू या एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने अभी शुरू किया है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि हमने देखा है भारत में, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोगों ने देखा है कि जनरली लेडीज जो हैं या महिलाएं या फिर जेंट्स लोग भी, वो एकदम से साइकेट्रिस्ट के पास या फिर किसी दवाई को लेने से कतराते हैं, क्योंकि हमारे मानसिक स्वास्थ्य में जो भी दवाई हम देना चाहते हैं, अभी जैसे मैंने किसी पेशेंट को भी देने का कोशिश किया तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, नहीं मैडम मैं देख लूंगी, मैं आज ही का बात बता रही हूँ। मैंने कहा बेटा ये शुरू कर दीजिए आप, नहीं नहीं मैडम इसके लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू से कि हम लोगों में अभी भी एक इनहिबिशन है, हम लोग मानसिक प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए दवाई नहीं खाना चाहते, ठीक है। तो कुछ हाँ कुछ दवाइयां जैसे जो साइकेट्रिस्ट लोग देते हैं, उनमें SSRI है या माओ इनहिबिटर्स हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ये दवाइयां हैं जो, और लिथियम है जो मूड स्टेबलाइजर्स हैं, ये एज डॉक्टर्स वी कैन प्रिस्क्राइब। लेकिन हम लोग एक न्यू चीज बताना चाह रही हूँ, ऑल्दो है तो ये बहुत पुरानी, लेकिन इट इज एज इफेक्टिव, इट इज एज इफेक्टिव एज मेडिसिन। तो इसको हम लोग बेसिकली इंग्लिश में तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, लेकिन हिंदी में कॉग्निशन का मतलब होता है एक अनुभूति, ठीक है। आपको किसी भी चीज की, किसी भी परिस्थिति, आपको क्या अनुभूति हुई, हर एक को उस परिस्थिति की अनुभूति अलग हो सकती है, लेकिन आपको जो अनुभूति हुई वो आपके लिए असलियत बन गई। तो इस चीज के ऊपर एक, हाँ जी, इस चीज के ऊपर एक थेरेपी, इसको हल्का सा विश्लेषण हम करना चाहेंगे कि कॉग्निटिव बिहेव, कॉग्निशन का मतलब हुआ हमारी सोच, हमारी सोच बचपन से बनती आई है, हर आदमी की सोच अलग है, तो जो हमारे जीवन में घटित होगा हम उसी सोच के दरमियान ही सोच पाएंगे जो हम चीजों को जानते हैं, राइट। तो डिस्टॉर्शन का मतलब क्या हो, डिस्टॉर्शन का मतलब हुआ कि वो टेढ़ा हो गई, टेढ़ा मतलब कि वो अपनी असलियत से डगमगा गई या जैसी है वैसी नजर नहीं आई। इसका हमेशा मैं जैसे पेशेंट लोगों को भी एक एग्जाम्पल या हमारी महिलाओं को थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से समझाने में ये एग्जाम्पल देती हूँ कि हम चम्मच लेते हैं और चम्मच को उल्टा करके जब देखते हैं तो हमें अपना चेहरा डिस्टॉर्टेड नजर आता है, हमको ऐसा नजर आता है कि वो थोड़ा टेढ़ा है या तरीके से हमें नहीं दिख रहा। यही एग्जैक्टली कॉग्निशन होता है, डिस्टॉर्टेड कॉग्निशन इसी को कहते हैं। असलियत में चेहरा एकदम ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी असलियत या रियलिटी है, लेकिन चम्मच में चेहरा टेढ़ा दिख रहा है या ठीक नहीं दिख रहा, तो इसको कहते हैं CBT। तो आज के टॉक में हल्का सा मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी महिलाएं या यंग जनरेशन ऑल्सो, उनको ये टैबू नहीं मानना चाहिए कि मैं साइकोलॉजिस्ट से मिल रही हूँ या मैं किसी काउंसलर के पास जा रही हूँ या किसी थेरेपी सेशन के पास ले रही हूँ मैं। तो बड़े शहरों में आजकल ये एक फैड भी हो गया है कई जगहों पे कि आपके पास अगर थेरेपिस्ट है या आपके पास कोई काउंसलर है तो इट इज गुड, नहीं तो पहले जमाने में हम अपना स्पेसिफिकली औरतें अपने मन की कोई भी बात बताती नहीं थी, उसका बोझ बढ़ता चला जाता था, वो हमारे व्यवहार में नजर आता था जी। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर से लेके एक नॉर्मल नागरिक तक जानता है कि हमारी सोच हमारे व्यवहार पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अगर हमारी सोच में एक अलग किस्म का फिल्टर होगा तो हमारा जो व्यवहार होगा उसके अनुसार ही होगा, जो चीज हमें नहीं दिखेगी हम वो चीज देख ही नहीं पाएंगे जो चीज दिखनी चाहिए। हमारा एक फिल्टर, अगर मैंने ये चश्मा पहना है नीले रंग का, मुझे सारी दुनिया नीली नजर आएगी, या मैंने अगर लाल रंग का चश्मा पहना है मेरे को लाल नजर आएगी, राइट जी। सो इस छोटे से प्लेटफॉर्म से मैं आई वॉन्ट टू रीच आउट टू द यंग जनरेशन और हमारी महिलाओं के पास कि हमें हाउ टू आइडेंटिफाई, हमें ये पहचानना कैसे है कि कुछ हमारी सोच में नकारात्मक है, ठीक है। क्योंकि हम क्या है, ये इस डिटेलिंग में मैं इसलिए आई क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों को गोल्स या हमारे नॉर्मल कार्यों में करने के लिए हमें रोकता है। जो लोग ज्यादातर डिप्रेस रहते हैं वो सोच में बैठे रह जाते हैं, वो अपनी सोच से निकल कर अपने काम में नहीं लग पाते,
राइट, क्योंकि उनके उनके ऊपर बोझ है, वो असली बोझ भी हो सकता है, वो मन में बनाया हुआ बोझ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसको हमें पहचानना कैसे, इसके तीन तरीके हैं पहचानने के। वो एक तरीका सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें लगे कि हमारे मूड में एकदम से शिफ्ट है, नकारात्मक सोच एकदम से आ रही है, तो हमको ये नहीं सोचना है कि ये जो सोच है वही हम है। हमको उस सोच से अलग होके देखना है कि अच्छा ये मेरे अंदर सोच आ रही है, ठीक है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये अगर हम इस चीज को अवेयर हो जाएं, इस चीज को अगर हम संवेदनशील हो जाएं इस चीज के प्रति, तो हमारी काफी प्रॉब्लम डिप्रेशन से हम लोग या फिर मेनिया जो भी हम मतलब कि फेस कर रहे हैं लाइफ में, जो परिस्थिति है वो प्रॉब्लम से भरी ही रहेगी हमेशा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज कोरोना को हमने आज कोरोना को हमने पार किया, लेकिन अभी भी बहुत चीजें हैं जिसमें से हमें जूझना है। जी तो एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी चीज को या कोई सोच हमारे को बहुत दिन तक रहे। अगर कोई महिला को लगे कि 15 दिन तक या 15 दिन से ज्यादा उनकी सोच परसिस्टेंटली नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब हुआ नकारात्मक है, उनको ये लगता है कि वो नहीं कर पाएंगी, वो इस चीज के लायक नहीं है, उनका रहना असंभव हो गया है, तो इस चीज को सरफस पे लाया जाए, उजागर किया जाए और इस चीज के बारे में किसी काउंसलर से पहले डिस्कस किया जाए। जी तो हुआ आइडेंटिफिकेशन, फिर हुआ विरूपण। विरूपण का मतलब हुआ त्रुटि, त्रुटि मतलब डिस्टॉर्शन। आपको 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जैसे हम लोग, कोई भी आदमी दुनिया में नहीं है जिसके दिमाग में डिस्टॉर्शन या डिस्टॉर्टेड थॉट नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे लाजमी चीज बताते हैं, जैसे हम लोग व्हाइट एंड ब्लैक थिंकिंग कहते हैं, एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे, ये एक डिस्टॉर्टेड या एक विरूपण है, ये त्रुटि है हमारी सोच विचार में। व्हाइट और ब्लैक थिंकिंग का मतलब हुआ या तो ये या फिर वो, कुछ भी बीच में नहीं। जी जैसे कि इमेज के बारे में हम महिलाओं की बात करें तो हम एक उनके बॉडी इमेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां हैं आजकल यंग जनरेशन में, हम लोगों के लेवल पे, जो सोचते हैं कि हाँ 36 24 36 अगर ये मेरा फिगर है तो मैं अट्रैक्टिव हूँ, तो मैं पतली हूँ, तो मैं सुंदर हूँ। वो भी नहीं है, अब सीधा साइज जीरो है, अब सीधा साइज जीरो। जी तो सुंदरता के कई तरीके हैं या कई लेवल हैं, या मुझको नहीं लगता कि सुंदर होना या अच्छा होना में हम व्हाइट या ब्लैक थिंकिंग कर सकते हैं। इस सोच की जो त्रुटि है, इसमें कोई लड़की ये भी सोच सकती है उसकी त्रुटि है, वो हो सकता है बहुत ही खूबसूरत लड़की हो लेकिन उसको ना लगता हो कि मैं हूँ, राइट। एज अ मदर, क्योंकि मेरे अब 2 बच्चे हैं तो कोरोना काल में पेशेंट को देखना, ठीक है ना, और फिर जाके बच्चों को भी देखना। एग्जैक्टली मेरे मन में ये आता था, मैं आपको सच्चाई बता दें कि ये मन में आता था, मैं तो बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं पा रही, आई एम नॉट अ गुड मदर। मुझे आता था, मैं तो सारा दिन कभी ऑपरेशन कभी कुछ, मैं घर पे आके बच्चों के साथ बैठ नहीं पाती, राइट। और मुझे ये मन में आता था, और बहुत लेडीज को आता होगा कि आई एम नॉट अ गुड मदर, या एक गिल्टी फीलिंग आती थी कि यार मैं नहीं कर पा रही जो मुझे करना। ये भी एक त्रुटि है, जबकि हम बहुत कुछ कर रहे होंगे, कभी बच्चे का केक बना दिया, टाइम से सुला दिया, दवाई खिला दी, वो नहीं देखेंगे। तो ये क्या होता है, इन चीजों को हमें नजरअंदाज नहीं करना, डिस्काउंट नहीं करना। हमारे जीवन की जो नकारात्मकता है हम उसको ना बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो सकारात्मकता है, जो हमारे जीवन में पॉजिटिव चीजें हो रही है, उसको हम देखते नहीं। तो हमें लगता है हमारा जीवन विफल है। जी हमें हमें लगता है कि जीवन विफल है। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाई आई एम ट्राइंग, ये चीज मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये चीज आपका काउंसलर आपको आपके सामने लेकर आएगा, उस असलियत को जो आप देखना नहीं चाहते। ओके ठीक है, या देख नहीं पा रहे। जी जी, काउंसलर वो बात करेंगे कि आपसे निकलवाते हैं, काउंसलर्स जो होते हैं वो आप ही से आपका आंसर निकलवाएंगे। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा पुश कर रही हूँ हमारे महिलाओं को कि काउंसलिंग को लीजिए आप, या तो खुद काउंसलर बनिए और लोगों को हेल्प कीजिए, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है। जी नॉट पॉजिटिव थिंकिंग इन रियलिटी, हमारी सोच रियलिटी की लाइन में होनी चाहिए। असलियत क्या है उसकी लाइन में होनी। जी सो व्हाट आई वांट टू से कि आज बहुत लेडीज एजुकेटेड हैं, जो देख रही हैं सब पढ़ी लिखी,
ठीक है, काउंसलिंग में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, या शॉर्ट टर्म थेरेपीज भी होती हैं जो हाईली प्रेजेंट कंडीशन के ऊपर फोकस होती हैं। कुछ थेरेपी होती है जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स को भी खत्म करती है, क्योंकि ये ट्रॉमेटिक इवेंट है। हम जीवन हमारे जीवन में जैसे कोरोना एक ट्रॉमा हुआ है लोगों को मानसिक तौर पे, उसमें से कैसे बाहर निकलना है। जी, तो आपको आंकड़ा देना चाहूंगी इसमें कि जो मैं कह रही हूँ उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, कि जो लेटेस्ट रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये बोला गया है कि एंटी डिप्रेसेंट्स के इक्विवेलेंट इफ नॉट लेस इक्विवेलेंट है सीबीटी थेरेपीज एक सेकंड। और इनका एक एडवांटेज भी है, इनका एडवांटेज ओवर मेडिसिन ये है कि ये रिलैप्स 60% केसेस में रिलैप्स नहीं होता डिप्रेशन। अगर आप सीबीटी थेरेपी करते हैं, आप काउंसलिंग के 10 से 12 या 15 या 20 सेशन लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम से आप जूझ सकते हैं। आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम श्रीकार के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, इन चीजों को जानिए और हमारी महिलाओं को इन चीजों को पहचानना चाहिए। जी एक चीज मैं कहना चाहूंगी, हाँ बिल्कुल कई बार क्या हो, ज्यादातर जो मुझे लगता है दूसरों से बात करके, लेडीज से बात करके वगैरह, कि अपनी प्रॉब्लम बताना या अपनी तकलीफें बताना, जैसे मैं दुखी हूं, इतना समय हो गया है, मुझे बात बात पे रोना आ रहा है, बेशक औरत पहचान ले पर बताए ना, या रोए ना किसी के सामने, या जाहिर ना करे, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको कमजोरी की तरह से देखा जाता है, बीमारी की तरह से नहीं। मैं ये कहना चाहूंगी लेडीज से कि भाई ये बीमारी नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, हो सकता है बीमारी हो, ठीक है, और इससे इससे कतराए नहीं, बताने से या मदद मांगने से किसी से, चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे वो डॉक्टर हो, ये कमजोरी का कोई लक्षण नहीं, कमजोरी इस चीज से नहीं होती। यदि आपको थायराइड प्रॉब्लम है और आपको थायराइड की गोली रोज ले, तो क्या आप कमजोर हैं? नहीं, थोड़ा बीमार है, ठीक हो जाएगा, बट यू आपको उस पे काम करना होगा। काम कैसे होगा? जब आप ये चीजें बताएंगे, क्या होता है घर में, लेडीज अगर बताती हैं इवन दूसरे लेडीज को, और खास तौर से जो शायद उम्र में बड़ी हो या पेरेंट्स हो, या जिनको खुद नहीं पता कि ये बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं, मेंटल हेल्थ एक अलग ही सब डिविजन है डिजीज का, तो वो हमारे जमाने में और खराब होता था। हम तो बहुत स्ट्रांग थे, हम तो किसी को नहीं बताते थे, हम तो निकल आए। सबकी स्टोरी अलग होती है। आज का राइट टाइम और पहले का टाइम बहुत फर्क है। आज नंबर ऑफ स्ट्रेसेस और एक्सपोजर बहुत ज्यादा है हर एक चीज से, बेशक आप ना चाहे, न्यूज आप पे थोपा जाएगा, उसका असर पड़ेगा आप पे। और एक लेडी को अगर आप मेंटली फिजिकली हेल्दी करें, उसका असर पूरे परिवार पे पड़ेगा। इसको कमजोरी ना समझें, उनको ठीक करने में सबकी मदद चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए, अकेले हर चीज नहीं हो सकती। जी कई बिल्कुल बार आप खुद नहीं पहचान सकते, कई बार जैसे डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, या मेनिया के पेशेंट होते हैं, या एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, जब शुरू में डॉक्टर दवाई देते हैं या सीबीटी प्रिस्क्राइब करते हैं, बोला जाता है पेशेंट पार्टी को कि भाई आप इनको गोली लेके अपने सामने देना, खिलाना, देखना स्वालो किया है कि नहीं किया है, अकेला मत छोड़ना, इनकी मदद करना, इनको सपोर्ट करना, इनका ख्याल रखना। काउंसलिंग में कई बार लेडीज आती हैं, तो जैसे डॉक्टर का सपोर्ट तो मिल गया, क्या फैमिली भी उतनी ही अंडरस्टैंडिंग होती है कि फैमिली का भी, कि हमेशा वो नहीं होता ना, यही तो चक्कर है हाँ फैमिली, हाँ क्योंकि देखिए इस चीज से, अगर मैं थायराइड की पेशेंट हूं और आप भी हैं, फॉर एग्जांपल, आप कहेंगे हाँ मैं तो समझती हूँ, रोज दवाई लेना पड़ता है, टेस्ट करना, आप उसी चीज से गुजर रही हैं, ठीक। अगर कोई कभी उस चीज से नहीं गुजरा है, या समझना नहीं चाहता, या टाइम नहीं है, या हिम्मत नहीं है, तो इन चीजों से क्या होता है, आप किसी को तभी सपोर्ट कर सकते हैं ना जब आप करना चाहें, या जब आप समझना चाहें कि उनके मन में क्या गुजर रहा है। ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। बिल्कुल, खासकर हस्बैंड का सपोर्ट अगर मिले लेडीज को, तो बहुत काफी बड़ी बात उनकी मुश्किल आसान हो जाए, घर वालों की का सपोर्ट हाँ। मिले। नेहा जी जी, एक जी क्या? चीज इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ, थोड़ा सा इसको सेग्रीगेट, पॉइंट को सेग्रीगेट करने के लिए, कि जरूरी नहीं है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही हो। सपोर्ट का मतलब यह है कि मैक्सिमम हमारी फैमिली जो है वो मैक्सिमम जो फैमिली है वो हमें
सहानुभूति दे सकती है, हाँ ठीक है, सहानुभूति दे सकती है, ये बोल सकती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ लेकिन उस गड्ढे में से निकालना, वो जो डार्क प्लेस है या वो जो अंधेरा है उसके मन में, उससे निकालना तो आपको एक थेरेपिस्ट या काउंसलर ही बताएगा, वो रास्ता, वो जो दिया जलाना है वो आपको काउंसलर बताएगा, क्योंकि फैमिली थक सकती है, क्योंकि वो चीज महसूस या अनुभूति नहीं कर सकती जो आप में हो रहा है। जी ऐसे बिल्कुल ऐसे पार्ट्स होते हैं लाइफ में लेडीज के साथ, उनको ये फीलिंग आता है कि सामने वाला तो देख ही नहीं पा रहा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, या वो दिख नहीं एक रहा, ट्रांस देखते में, हैं हाँ पेपर दिख भी नहीं रहा, ट्रांस में देख होता है, मतलब देखा मतलब। हाँ रियलिटी डिफरेंट होती है। जो डिप्रेशन में लोग होते हैं या मेनिया में होते हैं, उनकी जो असलियत है जीवन की वो अलग हो, सामने वाला को समझ ही नहीं आएगा कि अंदर हो क्या है, बिल्कुल ठीक है, वो उसको अच्छे तरीके से ले सकते हैं एक टाइम तक, कुछ वक्त तक, गलत तरीके से ले सकते हैं कुछ वक्त तक, लेकिन उस जगह पे जहां पे आप बस चुप्पी लगा के बैठ गए हैं, वो जो डिप्रेशन है या वो जो असहाय फीलिंग है, वो जो चीज है, वहां से आपको या तो साइकोलॉजिस्ट या कोई काउंसलर, काउंसलर मैं इसलिए वही बोल रही हूँ क्योंकि दे आर द फर्स्ट स्टेप, वो पहले यस लोग हैं, क्योंकि आप उनसे बात कर पाएंगे या वो अंदर से आपको मन में से चीज निकाल के आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट, हाँ साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स थेरेपीज बताते हैं, बात करते हैं, बात उगलवाते हैं, ठीक है, और अगर जरूरत पड़ती है तब जाके हम किसी साइकेट्रिस्ट या किसी पार्टनर या डॉक्टर के साथ उसको एसोसिएट करते हैं। सो फैमिली का रोल सहानुभूति तक रह जाता है, ये मेरे फीलिंग है, दिस इज जी व्हाट आई बिल्कुल, फील। अपने आप को कभी नीचे ना रखें, अपने आप को फर्स्ट रखें, बिकॉज अगर आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो आप दूसरों की नहीं कर सकते, और दूसरों के लिए आपका क्या इम्पोर्टेंस है हर एक एस्पेक्ट में, और हर एक इंसान के लिए आपकी, चाहे वो फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, आपका जो वैल्यू है ना, आप उसको कभी अंडर एस्टिमेट ना करें, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, आप अपने को जी, प्लीज आगे रखिए। बहुत सार्थक बातचीत रही। अंत में हम लोग भी सारी महिलाओं से यही कहेंगे कि अगर आपको थोड़े भी लक्षण नजर आते हैं, थोड़ी भी नकारात्मक फीलिंग आती है, तो प्लीज काउंसलिंग के लिए जाइए, काउंसलिंग बहुत जरूरी है, और ये कोई कमजोरी नहीं है, जैसा कि डॉक्टर श्वेता ने कहा, जरूर जाइए, बीमार आप ठीक हो सकते हैं, अगर काउंसलर के पास जाएंगे आपको लगता है आप बेटर फील करेंगे, थोड़ा बेहतर फील करेंगे, नकारात्मक फीलिंग जैसे कि उन्होंने बताया, डॉक्टर छवि ने बताया, सेल्फ काउंसलिंग कीजिए, तो इन सारी चीजों को ऑप्ट कीजिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चर्चा हमारी पसंद आई होगी, और आपके लिए कुछ सार्थक रहा होगा ये चर्चा, हो सकता है हम आपकी इस जर्नी में थोड़ी मदद कर पाए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत आपको भी बहुत शुक्रिया बहुत डॉक्टर धन्यवाद, डॉक्टर छवि को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्ते, बहुत स्टे वेल। नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू।